ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हमारी लगातार जारी है, संसद से लेकर सड़क तक सरकार का घेराव है। चंद्रशुदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपके पास अनिल जी आऊंगा एक सवाल पहले, बिल्कुल मैं आपके पास फिर आता हूं, फिर से आता हूं, एक सवाल उनसे कर लूं। चंद्रशुदा जी आपने शुरुआत की थी और शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि सरकार जो नोटबंदी की है इससे लगभग 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने वाली है, लेकिन आपको इस बात का शक है कि ये उद्योगपति मित्रों की सहायता कर दी जाएगी, लेकिन ये आशंका आप क्यों जता रही हैं? इसके पीछे वजह आखिर आपको क्या दिखाई पड़ती है? हो सकता है कि जो सरकार कह रही है जिस तरह से वो गरीबों की मदद करना चाहती है, नई परियोजनाएं शुरू करना चाहती है, जिस लक्ष्य को लेकर उतरी है वो भी किया जाए, सिर्फ आशंका की वजह से सड़कों पर विरोध करना कितना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऑलरेडी सरकार ने 1.14 लाख करोड़ ऑलरेडी माफ कर चुके हैं ये इंडस्ट्री का। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, आपको ताजा अपडेट दे देना हो। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जी। मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, वो हम बाद में सुन लेंगे समय पे। जो आप बता रही हैं उससे जुड़ा हुआ है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो आप बता रही हैं उससे जुड़ा हुआ है। कोई कर्ज कोई माफ नहीं किया गया, उनसे पैसा वसूलने की कोशिश की जा रही है, बस सरकार ने आज कही है, साफ किए शाम को, और ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष जो है भ्रामक प्रचार कर रहा है, वो वेव हुआ है जी। और दूसरी बात, हमने दिल्ली असेंबली में यह तथ्यों के साथ प्रूव किया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि काला धन मोदी जी खुद भी ले रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के जो इनकम टैक्स के पेपर्स अगर आप देखें, जो कि दिल्ली असेंबली में रखे गए थे अरविंद जी ने खुद, उसमें 25 करोड़ की रकम गुजरात चीफ मिनिस्टर के नाम पर वो बिल्कुल पाया गया था उनके इनकम टैक्स पेपर्स में आदित्य बिरला ग्रुप के। और उसके ऊपर इनकम टैक्स की जो अप्रेजल स्टेटमेंट है वो भी ये कह रही है कि आदित्य बिरला ग्रुप इस ये जो पाया गया है उसके बारे में कोई क्लियर रिस्पांस भी नहीं दे पाए हैं। इन सब चीजों से शंका पैदा होती है कि जब मोदी जी खुद काला धन एकत्रित कर रहे थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अब हम कैसे यकीन कर लें कि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद नहीं करेंगे? क्योंकि आज तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस तरह से अभी सुना अनिल जी आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सबके पास, और ये हैरानी इस बात से की जा रही है। आप सुन लीजिए ना मैडम, आप मैडम सुन भी तो लीजिए, चलिए जवाब दे दीजिए, आपसे निवेदन है थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। जी जी अनिल जी बोलिए, अनिल जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैं मेरी इसमें यह है कि अगर इनके पास इतने बड़े सबूत हाथ में लगे हैं तो उसको लेकर के ये तो हर बार अदालत चले जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो चले जाते हैं, चले जाइए अगर आपको लगता है काला धन जमा हुआ है। दूसरी बात मैडम, आपको मैं जानकारी दे दूं, आप 1,14,00,00,000 का जो आंकड़ा लाई है तो एक आंकड़ा हमारे, अरे मैडम सुन लीजिए, आपके साथ दिक्कत है, 12.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को लोन दिया गया है, यह सबूत है आपके पास, गरीब आदमियों को दिया गया है। आप जाइए विदर्भा के अंदर, आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, केरला में आप गई हैं, चंडीगढ़ से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल अनिल जी, 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 जेटली जी ने साफ किया है इस विधान से बात सहयोग की पार्टी के अकाली दल के मुख्यमंत्री देश में कर्ज माफी होगी तो पहले किसान की होगी, पहले गरीब की होगी, किसी उद्योगपति की नहीं की जा रही है। चंद्रशुदा मैडम सुन लीजिए, 12.5 लाख करोड़ रुपया तुरंत किसानों को माफ हो जाता है, गरीबों को लोन दिया गया है, ये आंकड़े नहीं है आपके पास। और तो पंजाब पीड़ा है, वेंकैया नायडू जी ने बोला है यह प्रसव पीड़ा की तरह है, आज पीड़ा है लेकिन कल खुशहाली आएगी और इस देश, अरे मैडम आप अपना मकान बनाती है, क्या लगता है ये देश को बनाने में मदद करो, नहीं तो आने वाली पीड़ा। चलिए चलिए हो गया, आपको माफ नहीं हो गया सत्येंद्र जी, आपके पास अनिल जी, हो गया हो गया सत्येंद्र जी, तीसरे सत्येंद्र जी आपको क्या लगता है? जेटली जी ने घोषणा की है कि भाई ये किसी का माफ नहीं किया जाएगा। 2-3 दिन पहले जेटली जी का बयान आया था कि मुझे इस फैसले का पता ही बाद में चला है। जो फैसला अनाउंस आरबीआई के गवर्नर को करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री जी ने किया। तो जब इनके रोज बयान बदलते हैं, इनकी शंका बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी के साथ अन्याय होगा, ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ये उद्योगपतियों को फिर से ब्याज पे दे के इस फैसले को फिर से बड़े लोगों को दे दिया जाएगा, गरीब आदमी को ये पैसा नहीं मिलेगा, ये शंका इसलिए है कि 12 लाख करोड़ पहले उद्योगपतियों के पास है। विजय माल्या इन्होंने भगा दिया, ललित मोदी को भगाने में मदद दी इन्होंने, नहीं सुनिए ना, सुनिए तो सुनिए, इसलिए सुन लो ना एक मिनट जी। 12 लाख करोड़ अभी एसबीआई ने कहा कि 7,000 राइट ऑफ कर दिया है, तो उसमें 1,200 करोड़ विजय माल्या का भी है। तो जो एसबीआई जो एजेंसी है, जो बैंक है, वो जब कह रहा है तो जेटली जी के बयान पे कैसे हम यकीन कर सकते हैं? जेटली जी का आज कल
कुछ कह रहे थे और कुछ कहेंगे। करोड़ का लूटा है, नहीं 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 लूटा नहीं है, इस देश को तरक्की दी है, इस देश को बनाया हमने, इस देश को बनाया हमने आपके बतौलेबाजी से, सिर्फ बयानों से, सिर्फ भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला। बढ़िया कपड़े पहन के मोदी जी जो भाषणबाजी करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, काम करना पड़ेगा गरीब जनता के लिए। वो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने देश को बदला है, नारों से देश नहीं बदलता, कांग्रेस ने काम किया है वो सबको दिखाई दे रहा है। आज जो मोदी बाहर जा रहे हैं, जो इनका स्वागत हो रहा है, वो मोदी की वजह से नहीं, मोदी के पिता कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, कांग्रेस ने इस देश को बनाया, कांग्रेस ने देश को बाहर जाके सम्मान होता है। स्कूल में देश में मोदी जी ने कुछ कर दिया, ढाई साल में मोदी जी ने कुछ कर दिया, एक ईंट भी अगर नहीं लगाई हो मोदी जी ने, कोई नया काम किया मोदी जी ने बताइए, सिर्फ नारे से भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला। बाहर से काला धन लेके आए, गरीब आदमी पे चोट कर रहे हैं, को मार दिया आपने, अपने मित्रों को पैसा पहले हमने चोट हुआ, आपने जितने लोगों के शादी अनिल जी की शादी, चलिए अनिल जी आपसे मेरा सवाल है, अनिल जी आपसे मेरा सवाल है, अनिल जी आप ये बताइए क्या वाकई सरकार तैयार की जा रही है? भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला, अब पता लग जाएगा। आप लोग दिल्ली में 29 से, चलिए चर्चा चर्चा, सत्यन जी सत्यन जी आने वाले चुनाव में जी मोदी को पता लगेगा, आपको पता चलिए चलिए, अगर मोदी हो गया साथ साथ बीजेपी खत्म ना हो गई तो तब चलिए सत्यन जी हो गया चर्चा आगे बढ़ अनिल जी नहीं पैसे की नहीं है, पैसे तो तुम्हारे जितने समर्थक हैं उनके, अनिल जी सत्यन जी अग्रेसिव मत होइए, अपने समर्थकों के पैसे के लिए एक एक करके, आप अगर गरीब आदमी पब्लिक तक पहुंचेगी तो हम आपके साथ होते, आपने गरीब आदमी के लिए, चलिए छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, बस छोटे से ब्रेक का।